अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 1 में। इस लेक्चर का नाम है इंट्रोडक्शन टू फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। EDU 101 के जो लेक्चर्स हैं वो टॉपिक वाइज हैं, तो हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है लेक्चर वाइज। हमने शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बना रहे हैं, तो उसके अंदर ये है कि इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम टॉपिक नंबर 1 से लेके 5 तक कवर करेंगे और इसके फ्री हाईलाइटेड नोट्स भी जो हैं वो एंड में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज के लेक्चर में टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो 5 टॉपिक्स हैं। टॉपिक नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन है, सेकंड जो है वो एम्स ऑफ एजुकेटिंग पीपल है, थर्ड वन इज़ एरिया ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, फोर्थ वन इस्लामिक फिलोसफी एंड फाइव वन इस्लामिक पॉलिसी का पार्ट 2। तो चलिए अपने हैंड आउट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहला जैसे टॉपिक हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि आइडियोलॉजी, जैसे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान आपने पढ़ी थी कि नज़रिया पाकिस्तान और इस तरीके की चीज़ें जो थी। आइडियोलॉजी कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीव दैट पीपल इन अ ग्रुप हैव एक्सेप्टेड विश टू देयर लाइफ्स, यानी कि आइडियोलॉजी वो होती है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जिस नज़रिए के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है और वो उस पर बिलीव रखता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के अंदर कि सबका उस पर यकीन होता है। जैसे हम मुसलमान हैं तो हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं ज़्यादातर मुसलमान हैं, तो हमारा यकीन है कि अल्लाह एक है और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम आपके आखिरी नबी हैं, तो ये हमारा कॉमन बिलीव है। इस्लामिक आइडियोलॉजी विल बी डिस्कस इन दिस कोर्स बिलो बिकॉज वी आर पाकिस्तानी एंड मेनी पीपल लिविंग हेयर आर मुस्लिम। सबसे पहले इस लेक्चर की जो स्टार्ट हो रहा है, ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर स्टार्ट हो रहा है और उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा आने वाले टॉपिक्स के अंदर। इसकी वजह यह है कि हम पाकिस्तानी हैं और यहाँ पर जितने ज़्यादातर लोग रहते हैं वो ज़्यादातर मुसलमान हैं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या कहता है? अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट नर्चर द नेचुरल पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल बिहेवियर स्पिरिचुअल एंड फिजिकल एस्पेक्ट इन एन इंटीग्रेटेड एंड बैलेंस मैनर सो एज टू प्रोड्यूस राइटियस ह्यूमन बीइंग हु विल ब्रिंग गुडनेस टू दिस वर्ल्ड एंड हेयर आफ्टर। यानी कि इस्लाम जो है हमें हमारा जो बिहेवियर है वो अच्छा बनाता है, यानी कि जिसके इखलाक बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए हमारे इस्लाम के मुताबिक। छोटों के साथ भी शफ़क़त करनी चाहिए और उसके साथ साथ बड़ों की भी इज़्ज़त करनी है। रूहानी तौर पर हमारी जो है रूहानी तौर पर हमारी नशोनुमा करता है, दूसरा फिज़िकली जो है जैसे कि हम नमाज़ पढ़ते हैं और दूसरे मामलात करते हैं, यानी कि एक रूहानी इबादत भी है और एक फ़िज़िकली इबादत भी है हमारे लिए, जिससे हमारा बिहेवियर अच्छा होता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं, इस्लाम हमें ये सारी चीज़ें इसलिए सिखाता है कि एक हमें एक अच्छा इंसान बनाया जा सके जो कि दुनिया में भला ही रह सके, और दूसरी जो आखिरत के बाद जो अबदी ज़िंदगी है आखिरत की, उसके लिए भी हम अपनी तैयारी कर सके। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स, यहाँ पर जो है फ़िलोसफर्स की बात हो रही है, जो फ़िलोसफर्स गुजरे हैं इस्लाम की, जिनके लिए इस्लाम की खिदमात हैं, उसमें फ़र्स्ट पे जो है अब्द हलीम एच जे मेट दिया हैं, ये 1989 के हैं। इस्लामिक एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस फॉर आल अंडर द पर्पसफुल गाइडेंस ऑफ एजुकेटर्स हु विल शेप मुस्लिम बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ इस्लाम। अब ये बता रहे हैं कि इस्लामिक एजुकेशन जो है वो तमाम लोगों के लिए है। अब उसमें जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, उनका मकसद ये होना चाहिए कि मुसलमानों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना सिखाए। सेकेंड स्कॉलर है अब्दुल हलीम इल्मुमादी, 1993। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू प्रोड्यूस द राइटियस इंडिविजुअल हु आर विलिंग टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ खलीफ्स सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। ये कह रहे हैं कि इस्लामी तालीमात का मकसद ये होना चाहिए कि आप सल्लम के जो खलीफा गुजरे हैं उनकी तालीमात पर हम अमल करें। इंटरेस्टेड बाई अल्लाह एंड लीडर्स टू द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड एंड द नेशन। ये एक तो ये कि ये हाँ, उनकी तालीमात पर अमल करने से हम ना सिर्फ अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल कर लेंगे बल्कि इस दुनिया में भी खुश रहेंगे और इस दुनिया के बाद जो आने वाली आखिरत की ज़िंदगी है उसमें भी हम खुश रहेंगे। एम्स ऑफ एजुकेशन पीपल, यानी कि लोगों को तालीम देने के मकासद क्या होते हैं? इनक्लूबेट अ नोबल करेक्टर, एक अच्छा किरदार उनके अंदर मुतारफ़ किया जाए। एजुकेट टू सोल टू बी रिफाइन एंड परफेक्ट, यानी कि उनको रूहानी तौर पर भी अच्छा बनाया जाए। टीच स्टूडेंट टू डू गुड रिस्पेक्टफुल एंड नोबल डिस, स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाए कि उन्होंने अच्छे काम करने हैं, बड़ों की इज्जत करनी है और छोटों के साथ शफकत करनी है। ट्रेन स्टूडेंट टू बी कोर्टियस एंड गुड ह्यूमन बींग, यानी कि इंसानों को ये सिखाया जाए कि वो एक अच्छे इखलाक रखने वाले स्टूडेंट बने, एक अच्छे इंसान बने और इसके साथ साथ उनके इखलाक अच्छे होने चाहिए। इनकोल्यूएट क्लीनिनेस प्योरिटी एंड सिंसेरी एज वेल एज़ नोबल प्रैक्टिस इन स्टूडेंट, यानी कि इंसान स्टूडेंट्स जो है वो उनके अंदर एक ये चीज़ आए कि उन्होंने अपने इखलाक को साफ़ करना है, अपने किरदार को साफ़ करना है और ईमानदारी के साथ काम करना है। एरियाज़ ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनके अंदर इस्लामिक एजुकेशन जो है वर्क करता है? करेक्टर बिल्डिंग, यानी कि एक इंसान के किरदार को अच्छा बनाना। करेक्टर बिल्डिंग इज़ अ टीचिंग ऑफ वैल्यूज़ एंड मोरल, हाउ टू लीड अ गुड लाइफ, ट्रीट योरसेल्फ एंड अदर,
यानी कि इसका मकसद ये है कि इंसान किस तरीके से अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है और किस तरीके से दूसरों के साथ अच्छे अखलाक कर सकता है। करेक्टर जो है किरदार होता है एक इंसान का, यानी कि एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर वो तो उसने पढ़ तो लिया सारी चीज़ें, उसने दुनियावी तालीम इतनी अच्छी हासिल कर ली कि वो एक डॉक्टर बन गया। डॉक्टर हमारे यहाँ एक मसीहा माना जाता है, खुदा के बाद अगर इंसान किसी की तरफ देखता है तो वो एक डॉक्टर देखता है। उसमें जो होता है कि बाज़ अवकात आप अगर इस्लामी तालीमात ना हो, उसका किरदार अच्छा ना हो डॉक्टर का, तो वो क्या करेगा कि वो कमीशन बेस्ड जो है वो मेडिसिन वो लिखना शुरू कर देगा लोगों को, और उसमें ये होगा कि उसके लिए आने वाला जो पेशेंट्स है वो एक इंसान नहीं है, वो सिर्फ़ एक उसका पेशेंट है जिसको उसने दवाइयाँ लिख के देनी है। एक तो वो उससे भी फ़ीस ले लेगा और दूसरा उसको वो दवाइयाँ लिख के देगा जिसकी उसको नीड है या नहीं है, लेकिन वो अपनी कमीशन की खातिर उनको वो दवाइयाँ लिख देगा। तो इस्लाम जो है वो किरदार पे काम करता है कि इंसान ख़ुद अपने लिए भी अच्छा करे क्योंकि उसको आखिरत की फ़िक्र होगी, और दूसरा वो दूसरों के लिए भी अच्छा करेगा। फिज़िकल एजुकेशन वी वुड लाइक टू हैव हेल्दी एंड एक्टिव पीपल हु आर कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी। यानी कि फ़िज़िकल का मतलब ये है कि हमने ऐसे इंसान, इस्लाम इस चीज़ पे जोर देता है कि एक ऐसे इंसान होने चाहिए जो कि कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी के अंदर, एक अच्छी सोसाइटी बनाने में, ना कि माशरे पे बोझ बन जाए। यानी कि लोग नशे की आदत में लग जाते हैं, दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, तो वो उससे इस्लाम सख्ती से मना करता है क्योंकि ऐसे लोग माशरे पे एक तरीके से बोझ बन जाते हैं क्योंकि वो फ़िज़िकली फ़िट नहीं होते और वो मज़ीद माशरे को ख़राब करते हैं। पीपल हु आर स्लो अनहेल्दी एंड नॉट वेल आर नॉट गुड कंट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी। सो इफ वी वॉन्ट टू इंडिविजुअल टू लिव अ हेल्थी लाइफ दे मस्ट बी फिज़िकली फ़िट। यानी कि इंसानों को आपको फ़िज़िकली फ़िट होना चाहिए, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पर ध्यान देना चाहिए। इस्लाम इस बात पर ज़ोर देता है अगर आप फिज़िकली फ़िट होंगे तो आप माशरे में एक अच्छा मुकाम बना सकेंगे। स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, एथलेटिक्स हैं, टीचर्स देम इन शेयरिंग एंड कोऑपरेशन बिकॉज मैनी स्पोर्ट्स आर प्लेड इन टीम। यानी कि स्पोर्ट्स गेम और एथलेटिक्स जब आप खेलते हैं तो वो आपको ये सिखाती है कि शेयरिंग करना है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। उसमें ये सारी चीज़ें भी आपको सीखने की पड़ती हैं कि आपको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, टीम वर्क करना है, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं स्पोर्ट्स के ज़रिए आपको सीखने को मिलती हैं। मेंटल एजुकेशन है, डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, यानी कि जहनी नशोनुमा जो है ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है। हाउ डज़ एन इंडिविजुअल डेवलप हिज कैपेसिटी टू थिंक एंड यूज़ हिज ब्रेन। यानी कि एक इंसान किस तरीके से ये सोच पैदा कर सकता है कि उसका जो दिमाग है उसको उसने कितना इस्तेमाल करना है। अब आप आइंस्टाइन की मिसाल ले लें कि आइंस्टाइन का दिमाग जो है वो आम इंसान के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा था। क्यों? उसने जितना ज़्यादा उसको इस्तेमाल किया उतना ज़्यादा बड़ा। जैसे कि इस्लाम कहता है कि अक्ल ऐसी चीज़ है इसको आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी बढ़ती है। इट हैपन वैन इन एजुकेशन वी मेक द इंडिविजुअल बी एम्बेडेड इन क्रिएटिव नेचुरल एनालिटिकल थिंकिंग थिंकिंग आउटसाइड द बुक थ्रू एक्टिविटीज दैट इनेबल द इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम कम टू डिसीजन गिव देयर ओपिनियन एंड रिकमेंडेशन शेयर देयर आइडियाज़ एट्सेट्रा। यानी कि आप एक मिसाल ले लें कि जब अगर आप हवा से गिर रहे होते हैं तो पैराशूट जो होता है वो पैराशूट जितना आप पैराशूट खुल जाता है उसके अंदर हवा भर जाती है और आप गिरने से बच जाते हैं। आपका दिमाग भी एक पैराशूट की मानिंद होता है, आप इसको जितना खोलते जाएंगे उतना ही आपको गिरने से बचाएगा और उतना आपको बुलंदियों पे लेके जाएगा। लाइफ एजुकेशन, एजुकेशन इज नॉट अ मॉर्निंग टू आफ्टरनून एक्टिविटी, इट हैपन आउटसाइड द स्कूल एंड क्लासरूम आल्सो। यानी कि ऐसा नहीं है कि तालीम जो है वो सुबह से लेके शाम तक आपने करनी है। यानी कि कुछ स्कूल्स जो होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं आप सुबह जाते हैं और नॉर्मली शाम में या आप दोपहर में घर आ जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के प्रेमिसिस के अंदर ही आपको एजुकेशन मिल रही होती है, ये आउटसाइड ऑफ द स्कूल एंड क्लासरूम भी हो रही होती है। अदर इनफॉर्मल एक्सपीरियंस सच एज गैदरिंग मार्केट इट also essential for young people. If you only limit education to what happened in the classroom, people will never learn as much because classroom in its true sense is an artificial setting. यानी क्लासरूम जो है एक आर्टिफिशियल सेटिंग की जाती है कि आपको वहाँ पे टीचर पढ़ा देता है, सारे कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। आपने सुना होगा कि तालीम से इंसान में शऊर आता है। शऊर किस तरीके से आता है कि आप अगर एक टीचर्स के साथ बैठते हैं, उनकी सोहबत में रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो उनसे गैदरिंग्स होती हैं। आप मार्केट्स में जाते हैं, लोगों को देखते हैं कि लोग किस तरीके से बात करते हैं, क्या उनके मामलात होते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से सीखते हैं। यानी कि इंसान अपने माहौल से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ऐसा नहीं कि एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो वो बाहर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी फेलियर, कॉलेज फेलियर्स जो हैं वो टॉप कर जाते हैं और बहुत चीज़ें कर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन मैटर नहीं करती। अगर आप ओवरऑल सक्सेस रेट उठा के देखें तो जो लोग जिन्होंने एजुकेशन हासिल की प्लस उन्होंने क्लासरूम के आउटसाइड भी लोगों को देखा, उसे ऑब्ज़र्व किया, उससे सीखा, वो ज़्यादा कामयाब हुए एज़ कम्पेयर टू जो फेलियर हैं या कॉलेज ड्रॉप आउट हैं वो हो गए। लेकिन उनको पोर्ट्रे ज़्यादा किया जाता है
के एजुकेशन को डीमोरलाइज़ किया जाता है। जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं उनके पीछे अपने कुछ मकासद होते हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं। एजुकेशन हर टाइम पे इंपॉर्टेंट होती है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक भी है, उसका मफहूम यह है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। सोशल एजुकेशन वी कैन नॉट लीव ऑन आवर ओन अलोन, यानी कि हम सोशल एजुकेशन ये होती है कि हम अकेले नहीं जी सकते, बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू डू ऑल एवरी थिंग फॉर अस। ऐसा नहीं है कि हम तमाम चीज़ें खुद अपने लिए कर सकते हैं। वी नीड अदर पीपल टू हेल्प अस इन अवर लाइफ एंड सो दैट द सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट, यानी कि दूसरे लोग हमें चाहिए होते हैं और सोशल इंटरेक्शन चाहिए होती है। जैसे हम फ्रेंड्स बनाते हैं, हमारे भाई बहन रिश्तेदार ख़ानदान, ये सारे मामला होते हैं। आप सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ में जाते हैं, ये सारे मामला आप करते हैं, तो सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी होती है। सोशल एजुकेशन टीचेज अस कोऑपरेशन, शेयरिंग, टॉलरेंस, लिसनिंग, नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट यू बट आल्सो अदर एज वेल, यानी कि सोशल थिंकिंग जो है वो हमें सिखाती है। क्या चीज़ सिखाती है? इसमें शेयरिंग, टॉलरेंस, बर्दाश्त जो है आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लिसनिंग, लिसनिंग जो है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम जो है आजकल जो सुनते हैं वो हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, हम समझने के लिए ही नहीं सुनते। हमें जो सुनना चाहिए वो समझने के लिए सुनना चाहिए। वर्ल्ड श्रिंकिंग टू अ ग्लोबल विलेज सिनेरियो, इंडिविजुअल टूडे डू डो टू बी सोशली अडेप्ट हाउ टू इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल इन योर ओन कल्चर सेटिंग एंड अदर कल्चर सेटिंग। अब जो है दुनिया जो है ग्लोबल विलेज हो गई है, श्रिंक होकर आ गई। जैसे कि मैं अभी कराची में बैठा हूँ और आप ये लेक्चर्स, ऐसा भी होगा कि सऊदी अरेबिया में भी कुछ लोग सुन रहे होंगे, कुछ लोग दुबई में सुन रहे होंगे जो ओवरसीज हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ पंजाब के किसी कोने में गाँव में बैठ के सुन रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो सोशली हम इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। सेक्स एजुकेशन नॉट इन द सेंस ऑफ लव एंड रोमांस, यानी कि ये सेक्स एजुकेशन से मुराद बिल्कुल ये नहीं है कि लव एंड रोमांटिक एजुकेशन है। एजुकेशन हाउ यू डील विद द इंडिविजुअल ऑपोजिट जेंडर, यानी कि इस बारे में है कि एक मेल है वो फीमेल से किस तरीके से बात कर सकता है, या एक फीमेल है वो मेल किस तरीके से बात कर सकती है। अगर आप एक खातून से बात कर रहे हैं तो आपका लहजा कैसे होना चाहिए, आपके अल्फाज जो हैं वो कौन से होने चाहिए जो आप उनसे रिस्पेक्ट के साथ बात करें। When you are with friends, when you are all girls and all boys, you behave differently. यानी कि जब आप लड़कों के दरमियान गैदरिंग में होते हैं तो आप differently behave करते हैं, और जब आप girls के दरमियान होते हैं तो आप differently behave करते हैं। सेक्स एजुकेशन टीचेस हाउ यू बिहेव इन सच गैदरिंग विद इंडिविजुअल ऑपोजिट जेंडर, यानी कि ये एजुकेशन हमें ये टीच करती है कि आप अगर एक ख़वातीन की गैदरिंग में हैं तो आपने किस तरीके से बात करनी है, आप बड़ों की गैदरिंग में आपने किस तरीके से बात करनी है, इन शॉर्ट कि ऑपोजिट जेंडर के साथ आपने किस तरीके से बात करनी। मुस्लिम फेथ एजुकेशन, दिस रियली इज़ अ रिलीजियस एजुकेशन, ये एक मजहबी तालीम है। जैसे कि अंडरस्टैंड व्हाट देयर रिलीजन हेल्प टू देम लर्न अंडरस्टैंड एंड डू सो, जैसे कि हमारे यहाँ आलिम दीन होते हैं वो हमें सिखाते हैं, या मुफ्तियाने कराम होते हैं। अगर हम इस्लामी मामलात में किसी चीज़ में हमें समझ नहीं आती तो हम उनकी रहनुमाई हासिल करते हैं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से द टीचिंग ऑफ कुरान, हदीस, डीलिंग ऑफ द खलीफ्स एंड अदर मुस्लिम फिलोसफर टॉट टू यंग पीपल, यानी कि हमारा जो कुरान पाक है, अहदीस की जो किताबें हैं, और जो सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसके बाद आजकल आप देख रहे होंगे इरतुकुल गाजी आ रहा है, और दूसरी सीरीज़ उस्मान जो है, वो इन तरीके की सीरीज़ जो आ रही हैं, तो इन सीरीज़ से आपको देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि जो पुराने इस्लामी लोग गुजरे हैं उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं जिसके बाद जाके ये दीन हम तक पहुँचा है। टॉपिक नंबर 4 इस्लामिक फ़िलासफ़ी का पार्ट 1 है। इस्लामिक फ़िलासफ़र्स में इब्न रुशद हैं, 520 से 595 हिजरा हैं, यानी कि कितना पुराना दौर है आप ये देख सकते हैं। न्यू आइडियाज़ नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ फ़िलासफ़ी, इनका कहना ये है कि इन्होंने नए आइडियाज़ जो दिए हैं वो सिर्फ फ़िलासफ़ी के यानी कि फ़लसफ़े के अंदर नहीं दिए, इन्होंने मेडिसन और इस्लामिक लेजिस्लेशन पे भी बात की, यानी कि इस्लामी कवानीन और मेडिसन जो है वो उस टाइम पे भी इन्होंने काम की। जैसे कि उस टाइम पे मतब होते थे, हिकमत होती थी, ये सारी चीज़ें होती थी उस टाइम पे। आप देख लें कि ना सिर्फ फ़लसफ़े पे काम कर रहे थे मुसलमान, बल्कि मेडिसन्स पे भी काम कर रहे थे और इस्लामिक कवानीन पे भी मुसलमान काम कर रहे थे। उन्होंने जो है उनके ग्रेट वर्क्स के अंदर कुल्फिया फ़ित तिब है, यानी कि 16 उन्होंने ये किताब लिखी जिसके कि 16 जिल्दें आ चुकी हैं, 16 वॉल्यूम इन जनरल मेडिसन। अब आप अंदाज़ा लगाएं 520-595 हिजरा के अंदर एक मुसलमान फ़िलासफ़र 16 किताबें, एक किताब लिख रहे हैं जिसकी 16 जिल्दें आ चुकी हैं मेडिसिन के ऊपर। उसके बाद उन्होंने फाउंडेशन ऑफ फ़िलासफ़ी मलवाली फ़लसफ़ा भी लिखा। उसके बाद अलगज़ाली हैं, इन्होंने 400 लिटरेसी वर्क इन थियोलॉजी स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी कि इन्होंने 400 से ज़ायद कुतुब लिखी मज़हब के ऊपर, उसके बाद फ़िलासफ़ी के ऊपर, साइंस एंड सूफीज़म के ऊपर, उनके ग्रेट वर्क्स के अंदर आता है। अब ब्रॉड फील्ड ऑफ इस्लामिक साइंस, जूरी प्रूडेंस, लॉजिक, सूफीज़म के ऊपर इन्होंने किताबें लिखी हैं। टॉपिक नंबर 5 इस्लामिक फ़िलासफ़ी का पार्ट 2 है। इब्ने खलदून है, हिस्ट्री ऑफ फ़िलासफ़ी एंड सोशोलॉजी पे इन्होंने काम किया, रोट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और इन्होंने दुनिया की हिस्ट्री के बारे में लिखा, यूनिवर्सल हिस्ट्री उनकी एक किताब है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। समरी ऑफ द रिज़ल्ट, यानी कि रिलीजन्स के बारे में भी उन्होंने लिखा।
अल फराबी हैं 872 to 950 कबल मसीह के, फिलोसफी लॉजिक एंड सोशोलॉजी के उन्होंने काम किया। उनके ग्रेट वर्क जो हैं क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक साइंस है, उसके बाद किताब अल मौसीका है, अब बुक ऑन म्यूज़िक है। अच्छा ये, अब ये जो मैंने येलो हाईलाइटेड किया हुआ है और ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनके नाम दिए हुए, ये क्विजिस के अंदर आ सकते हैं कि हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स गुजरे हैं, जो फिलोसफर गुजरे हैं, उन्होंने कितना काम किया है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए, हमारी तारीख जो है हमें पता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज़ों ने सारी चीज़ें बना दी, तो मुसलमानों फिलोसफर्स ने भी बहुत ज़्यादा काम किया है, उन्होंने किताबें लिखी हैं, तो ये क्विजिस के अंदर आ सकता है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज और मच मोर, वी आर ड्रॉनिंग इन इंफॉर्मेशन एंड स्टार्विंग फॉर नॉलेज, यानी कि आज ऐसा है कि इंफॉर्मेशन के समंदर के अंदर जो है हम गोते लगा रहे हैं और हम नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा हासिल करते जा रहे हैं। हिकमा इज़ एन अबंडेंट एंड ह्यूज गिफ्ट ऑफ अल्लाह, इट शोज़ हाउ टू यूज़ द नॉलेज, यानी कि हिकमत जो है वो बहुत अल्लाह ताला की तरफ से जो है बहुत अच्छा तोहफा है कि हमें चीज़ें याद रह जाती हैं, हमारा दिमाग जो है चीज़ें याद रखता है। जितनी अच्छा हम चीज़ों को रीड करते हैं, हम उसको रिकॉल करते हैं, तो वो चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। तो गाइज़ ये था लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हमने टॉपिक नंबर 1 से लेकर 5 तक कवर किया है। ये हाइलाइटेड नोट्स जो हैं अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, अगर आप वी यू एक्सपर्ट टीचिंग का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर लें, और फेसबुक पेज का लिंक भी मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल हो उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड देन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। एंड में आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।